तो आप सबको जोहार। और यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग शहजादा मूवी के डे 3 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और ऑक्यूपेंसी को डिस्कस करेंगे, और डे 2 में इस फिल्म का क्या हाल रहा उसके बारे में मैंने तो आपको पूरी डिटेल पहले ही दे दी थी। तो अगर मैं यहाँ पर डे 3 के यहाँ पर ऑक्यूपेंसी की बात करूँ तो देखा जाए तो इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है, लेकिन फिर भी जिस तरीके की ऑक्यूपेंसी इस मूवी को लेकर देखने को मिल रही है, ऐसा लग रहा है कि लोग बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है इस मूवी को देखने के लिए और जितना हो सके इस फिल्म को इग्नोर कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो इस मूवी के पल्ले में ही ना फंसे। और उसी वजह से इस फिल्म की ऑक्यूपेंसी कुछ खास अच्छी खासी यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर इस फिल्म की ऑक्यूपेंसी बहुत तगड़ी तो देखने को नहीं मिल रही है। ऐसा लग रहा है कि किसी को मन ही नहीं है इस फिल्म को जाकर थिएटर में देखने का। मतलब एक मूवी यानी कि फ्रेडी जिसको शायद थिएटर पर रिलीज होना चाहिए था वो तो हुई नहीं, और जिस मूवी को शायद OTT पर पटक देना चाहिए था वो यहाँ पर थिएटर में आकर यहाँ पर लड़खड़ा रही है, लुढ़क रही है, बहुत मुश्किल से संभलने की कोशिश कर रही है। पर चलो एटलीस्ट कुछ नहीं तो कुछ तो इसको मिल ही रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर डे 3 की ऑक्यूपेंसी की बात करूँ और शुरुआत करूँ मॉर्निंग शो से, तो मॉर्निंग में जो हमें ऑक्यूपेंसी देखने को मिली है 10.02%। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ आफ्टरनून शोज़ की, तो यहाँ पर हमें ऑक्यूपेंसी देखने को मिली है 17.62%। और वहीं पर अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इवनिंग शोज़ की, तो यहाँ पर थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखने को मिला, जहाँ पर ऑक्यूपेंसी रही 26.11%। और वहीं पर अगर मैं बात करूँ नाइट शोज़ की, तो यहाँ पर ऑक्यूपेंसी वापस से लुढ़क गई, क्योंकि यहाँ पर जो हमें ऑक्यूपेंसी देखने को मिली वो देखने को मिली 13.76%। और इस तरीके से ओवरऑल यहाँ पर जो ऑक्यूपेंसी हमें देखने को मिली है 16.88%। और इस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर थोड़ा सा इंप्रूवमेंट तो देखने को मिला है, क्योंकि अगर हम इसको डे 2 से भी कंपेयर करके देखें तो डे 2 में हमें ऑक्यूपेंसी देखने को मिली थी 14.66%, और यहाँ पर डे 3 में थोड़ा सा 2% का इंप्रूवमेंट देखने को मिला है 16.88%। तो देखा जाए तो ठीक है, अच्छा है, लेकिन इतना अच्छा नहीं है कि शायद ये फिल्म अपना बजट भी रिकवर कर पाए, क्योंकि जिस तरीके से फिल्म की ऑक्यूपेंसी हमें देखने को मिल रही है वो बिल्कुल भी अच्छे संकेत नहीं दे रहे हैं जिस तरीके से देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार ये फिल्म इसी तरीके की ऑक्यूपेंसी दिखा रही है जो कि एक तरीके से देखा जाए तो खतरे की निशानी है, क्योंकि ऑक्यूपेंसी इससे नीचे चला गया तो फिर ये फिल्म चिल्लरी बटोरेगी और इसका कुछ भी नहीं हो सकता है। हालांकि अब मैं अगर बात करूँ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, उससे पहले एक गिलास पानी, मतलब थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर डे 3 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो यहाँ पर देखा जाए तो डे 2 के इक्वल ही इस फिल्म ने कलेक्ट किया है, क्योंकि यहाँ पर डे 2 के इक्वल ही यहाँ पर हालांकि इम्प्रूवमेंट के साथ यहाँ पर ऑक्यूपेंसी देखने को मिली है, तो उतना ही मिलेगा ना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी देखने को। तो यहाँ पर इस फिल्म ने कलेक्ट किया है ऑलमोस्ट 7 करोड़ रुपये, यानी कि देखा जाए तो अब तक इस फिल्म ने 7 या 21 करोड़ रुपए 3 दिनों में कलेक्ट कर लिए हैं। हालांकि ये जो नंबर्स हैं 1-2 करोड़ ऊपर नीचे हो सकते हैं, पर आप मान के चलो कि 3 दिनों में इस फिल्म ने लगभग 20 करोड़ तो कलेक्ट कर ही लिए हैं। पर देखा जाए तो ये उतना कुछ खास कलेक्शन नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से इस फिल्म का बजट है अगर उसको रिकवर करना है तो इस फिल्म को 1 हफ्ते के अंदर यानी कि जब से फिल्म रिलीज़ हुई है उसके अगले 7 दिन के अंदर ही इस फिल्म को बहुत तगड़ी कमाई करनी होगी, तब ये फिल्म आसानी से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के जरिए अपना बजट भी रिकवर कर लेगी। और अगर ऐसा नहीं हुआ और अगले हफ्ते कुछ बढ़िया तगड़ी धासे मूवी आ गई और वो डोमिनेट करने लग गई तो इस फिल्म को तो मतलब लग जाएंगे। बाकी देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है, वो तो वक्त ही बताएगा। जोहार।